KRK, एक एक्टर डायरेक्टर सिंगर डांसर मॉडल और एक लेजेंड। तो सर आप खुद ही बताओ आप हो कौन? चूतिया नंबर वन। हाँ हाँ वो तो आप हो ही, पर आप विस्तार में बताओ ना। ये जमाना KRK का जमाना है, द नंबर वन क्रिटिक इन द वर्ल्ड, द ब्रांड KRK। अच्छा तो सर आप करते क्या हो? मरवाता मैं हूं, देता मैं हूं, क्योंकि मेरे से तो कुछ होता नहीं, मेरा तो कुछ ही नहीं होता, तो मैं लूंगा कैसे? देने का काम तो मेरा है। अबे प्रोफेशनली क्या करते हो, जैसे कि आप एक एक्टर हो है ना? बदसूरत। और एक सिंगर भी। हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। और आपका डांस तो एकदम कातिल होता है। पर गाइस पता है ऐसा डांस हम लोग रियल लाइफ में भी कर सकते हैं, जब रात को खाने में शाही पनीर बनाओ, जब लेक्चर में लास्ट के 10 मिनट पे घुसने में भी फ्री अटेंडेंस मिल जाए, जब शेयरिंग वाली कैब की ऊपर पूरे रास्ते कोई और पिकअप ना आए, जब पीठ पे खुजली हो रही और कोई अच्छे से बस खुजला दे। तो भाई इस संडे आई मीन बंदे के स्वैग का तो मैच ही नहीं है यार कोई। और हंसता तो ऐसे है जिससे सुबह सुबह पार्क में हंसते हुए अंकल आंटी भी फेल हो जाए। और हाँ ये हर काम करते हैं और इतनी खूबसूरती से करते हैं कि बस क्या बताऊं यार। पर हाँ इनका अस्तित्व बेसिकली अपनी खुद की तारीफें करना ही है। मैं तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ, मैं तो कुछ ऐसी फिल्में करूंगा जो कभी किसी ने देखी ही नहीं। अच्छा फिर ये क्या है? मगर क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बड़ी अश्लील सी वाइब आ रही है यार इस क्लिप से तो। पर सच बताऊं ये क्लिप देखने के बाद मेरा मन कर गया देशद्रोही देखने का। सर फिल्म नहीं देखने चले जाना, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। अरे क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो, अपनी झंड खुद ही क्यों करवा रहे हो? क्योंकि मेरे जो फैन हैं वो अनपढ़ गवार रिक्शा वाले हैं। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो सर, आपके फैंस ना आपको खुद ही पीट डालेंगे ये सुन के। जितने लपड़ मार सकते हो उतने मारे जाने चाहिए। आपकी ऐसी हरकतें देख के लगता है जो आपको बाल्टी अवार्ड मिला था ना वो सही मिला था। अरे वही वाला जो आप फेंक के निकल गए थे। गोल्ड बाल्टी अवार्ड। गोल्ड बाल्टी अवार्ड। तुम दोनों जोकर्स ने अपने औकात दिखा दी। ये बाल्टी अवार्ड ना आपको दोबारा मिलना चाहिए। अगर दोबारा मेरे साथ कभी भी ऐसा हुआ तो मैं देश हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। हैं सच्ची? तो ये लो। अरे माफ कर दे मेरे भाई, माफ कर दे सर, क्या कर रहे हो भाई, क्या करना चाहते हो यार? चलो ठीक है माफ किया, पर हाँ माफी तो आपको बहुत लोगों से मांगनी चाहिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में क्या बोला था? थोड़ी एक्टिंग भी सीख ले भाई, एक्टिंग नहीं सीखोगे तो काम कैसे चलेगा मेरे भाई, करियर खत्म हो जाएगा, समझने की कोशिश कर मेरे दोस्त। शर्म नहीं आती खुद 2 रुपीज पीपल जैसी एक्टिंग करने के बाद दूसरों को ऐसा बोलने में? साला रोने की एक्टिंग भी बेकार कर रहा है। अपनी माँ बहन करवाइए। अबे ओ मेरे को गाली वाली मत दियो, बता दूंगा अच्छे से, वैसे भी ना साइज में तू मेरा 25% भी नहीं है। और हाँ दिल्ली से हूँ मैं। यार ये तो बहुत गलत कह दिया इसने। हाँ कह दिया तो कह दिया, गुस्सा इतना दिला रहा है तू? वैसे भी तुम जैसे लोगों की ना आदत है इरिटेट करके ही ना पैसे कमाने की, इसके आगे क्या करोगे बेटा? अपने कपड़े उतरवाएंगे, नंगे होंगे और पब्लिक की भी माँ बहन करेंगे और अपनी भी माँ बहन करवाएंगे। अरे भाई तू क्या चीज है, थमने का नाम ही नहीं लेता। अबे तू पागल वागल हो गया क्या? लोग मुझे इतना सीरियस क्यों लेते हैं? अब से नहीं लेंगे भाई तेरी तेरी बातें सीरियसली नहीं लेंगे। तो लास्ट में मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा गाइस कि आप सिर्फ बोलिए, कांड करना हमारा काम है। हाँ हाँ मेरे डायलॉग भी तू ही बोल लेना। यार जाता क्यों नहीं इरिटेटिंग आत्मा। तो गाइस मैं ये कह रहा था कि लंगी डांस लंगी डांस लंगी डांस लंगी डांस। अरे भाई बस कर, तू बहुत हो गया तेरा। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तो
गाइस प्लीज आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना और प्लीज अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना क्योंकि आई एम श्योर इसकी हरकतें देखना उन्हें भी पसंद आएगा. सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. और हाँ, कहाँ है तू? क्या के हो गया तेरा? हो गया बस इतना ही था. चलो गुड. इट्स माय चॉइस. तेरी तो